अरे 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 धनी मनी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? हमारी ये दुर्दशा आपके कारण हुई है। मेरे कारण? चल धनी। अरे महाराज, पंडित रामा कृष्णा को अब धन की आवश्यकता नहीं है, वो तो अत्यधिक धनी हो गए हैं। हमसे, महामंत्री से, आपसे, हम सबसे अधिक धनी। परंतु कैसे? हम आपको क्षमा क्षमा हम आपको विस्तार में बताते हैं। वो ये कि आज सुबह हम धनी मनी के साथ दरबार की ओर आ रहे थे तो हमने देखा जी, आपके जीवन का अभिन्न अंग। कहाँ? वहाँ। मूर्ख, ये तो वो कांटा है जिसने हमारा जीवन कष्टप्रद कर दिया है। परंतु ये इतनी तीव्रता से जा कहाँ रहा है? गुरुजी, पीछा करते हैं, ज्ञात हो जाएगा। कुएं के निकट क्यों जा रहा है? जल पीने जा रहा होगा मूर्ख। हाँ, हमें मूर्ख कहा? आपको नहीं, मनी को कहा। गुरुजी चुप, बहुत अधिक बोलने लगे हो। मूर्ख, अगर जल पीना होता तुमने घर पर पी लेता ना, यहाँ क्यों आता? ये इसके हाथ में क्या है? हे भगवान, इतनी स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं तो दृष्टि खत्म हो रही है, लगता है कुएं के तल में चली गई। गुरु जी, आप छलांग लगाइए। हम आपकी सहायता करते हैं। हट, हटो हटो हटो। अरे मूर्खो, कूदने की क्या हो सकता है? प्राण रहे तो आप तो स्वयं ही और मुर्दा ठग लेंगे ना। पंडित रामकृष्ण सारी मुद्राएं कुएं में फेंक दी, तो जानना ही होगा कहीं कुछ संदिग्ध है जो पंडित रामकृष्ण हम सबसे छिपा रहा है। ये आप क्या कह रहे हो? स्वर्ण मुद्राओं को कूप में फेंक दिया? हाँ महाराज, हम सत्य कह रहे हैं महाराज, हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा महाराज। अब आचार्य, क्या है कि अब आपकी आयु हो चुकी है, प्रतीत होता है कि आपके नेत्र जो है वो आपके कहने का तात्पर्य क्या है? महामंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि हम अलौकिक जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, इसीलिए हमारी दृष्टि और हमारी आयु अभी उज्जवल है। क्षमा चाहते हैं आचार्य। हाँ ठीक है ठीक है महाराज, मात्र हमने ही नहीं देखा, धनी मनी ने भी देखा और उसके पश्चात हमने पंडित रामकृष्ण का पीछा किया। ओ, रोना बंद कर, चुपचाप अपनी घंटियों के साथ खेल। नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। अच्छा रोना बंद कर, चल तुझे दूसरी स्वर्ण मुद्राएं बनाकर देता हूँ। आजा। स्वर्ण मुद्राएं बनाकर देता हूँ, हमने सही सुना? हाँ, गुंडप्पा से रामा ने यही कहा कि स्वर्ण मुद्राएं बना के देता हूँ। बालक के खेलने के लिए स्वर्ण मुद्राएं। चलो हम भी देखते हैं पंडित रामकृष्ण ये स्वर्ण मुद्राएं कैसे बनाता है, परंतु चुप चुप कर। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण ने तो लोहे के सिक्के उठाए। हम भी देख रहे हैं, नेत्र ही नहीं हुए, लोहे के सिक्के उठाए। चुप रहो मूर्ख। We'll be right back.
लिए अपनी स्वर्ण मुद्रा और खेल जाके। पंडित रामकृष्णा ने पत्थर से लोहे की मुद्राओं को स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया। कैसे? हे भगवान, गुरुजी पारसमनी ऐसा कर सकती है। पंडित रामकृष्णा के पास पारसमनी है। पारसमनी जी गुरुजी, पारस मणि वो अद्भुत चमत्कारी मणि है जिसे छूते ही लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। हमें भी ज्ञात है, हमने भी इस मणि के संबंध में सुना था, परंतु ये पंडित रामकृष्ण के पास कैसे? कुएं को स्वर्ण मुद्राओं से भगा रहा है। हे भगवान, इतना धन, अपार धन आ गया पंडित रामकृष्ण के पास। आप क्यों काँव काँव कर रहे हैं? दोनों मूर्ख किस लिए हैं? धनी मनी जी गुरुजी, काँव काँव करो, आप कर रहे हैं, करे करो। ये खिड़की के बाहर कौन है? मैं देख कर आता हूँ। अरे भागो भागो, महाराज कौवे को स्वर्ण मुद्रा फेंक कर भगाया। स्वर्ण मुद्रा? गुरुवर क्षमा चाहता हूँ, परंतु आपकी बातें तो परिकथा जैसी प्रतीत हो रही हैं। वैसे ऐसा कोई पत्थर होता ही नहीं जिससे कि इतना धन प्राप्त हो। हाँ मंत्री जी, आप भी हमें क्षमा करें, आपके अल्प ज्ञान पर हम लज्जित हैं। आप जानते हैं स्वर्ग में भगवान इंद्र के पास से कल्प वृक्ष है जिसे जो मांगो हर वस्तु प्राप्त होती है। कामधेनु गाय है जिसे जो मांगा जाता है मिलता है। चिंतामणि है जो आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। वैसे ही धरती पर पारसमणि होता है जो लोहे को सोने में परिवर्तित कर सकता है। वही पारसमणि पंडित रामकृष्णा के पास है। हम सत्य कह रहे हैं महाराज, पंडित रामकृष्णा के पास अपार धन आ चुका है महाराज। उन्होंने हमें बहुत मारा, पकड़ पकड़ के मारा गुरुजी। हमने गुरुजी को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। हमको ढूंढा? शांत हो जाइए, अब दोनों की अवस्था कैसे हुई? पंडित रामा कृष्णा के कारण। पंडित रामा कृष्णा? पंडित रामकृष्ण के कारण जी महाराज। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा। अच्छा रुको, तुम इन स्वर्ण मुद्राओं के साथ खेलो। पंडित रामकृष्ण इतना धनवान हो गया, खेलने के लिए बालक को दो स्वर्ण मुद्राएं दे दी। धनमणि, बालक से स्वर्ण मुद्रा लेकर आओ। गुरुजी छोटा सा बालक है वो, उसके पास केवल दो स्वर्ण मुद्राएं हैं गुरुजी। अरे मूर्खों के मूर्ख, बूंद बूंद से सागर बनता है। जाओ इस बालक से स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, हमें पंडित रामकृष्ण की बनाई हुई स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जैसे आप क्या क्या जाओ। लालची ये बुड्ढा है ना, जानते हैं कि नंबर। ए, बालक ये मुद्राएं हमें दे दो। नहीं ये मेरी है। हमें दे दो। हाँ। दे दो बेटा, दे दे दो। मैं मां ले लो ले लो ले लो ले लो ले 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 गुरुवर? धनी मनी आपकी ये दुर्दशा गुरुवर के कारण हुई है।
ना तो गुरुवर आपको उस बच्चे से स्वर्ण मुद्रा लाने को कहते और ना ही आपकी ये दुर्दशा होती। देखिए महामंत्री जी, हम वो स्वर्ण मुद्राएं साक्ष्य के लिए लाना चाहते थे। जी महाराज, हम चाहते थे वो स्वर्ण मुद्राएं आप सब देखें। और मुद्दा ये नहीं है कि धनी मनी पिटे, मुद्दा है पारस में समस्या पर नहीं, समस्या के कारण पर ध्यान केंद्रित कीजिए महामंत्री जी। ना पंडित रामकृष्णा वो स्वर्ण मुद्रा बालक को देते, ना हम धनी मनी को वो स्वर्ण मुद्रा वापस लाने को कहते, और ना इनकी ये दशा होती। देखिए महाराज, आप विजयनगर राज्य के राजा हैं और वो पारस मनी इस दरबार में शोभायमान होनी चाहिए। विचार कीजिए, कितने लोगों का भला हो सकता है, कितना दान दे सकते हैं आप अपनी प्रजा को, समस्त महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। महाराज, आपका राज्य स्वर्णिम राज्य बन सकता है। महाराज, वो पारस मनी तो आप ही के पास होना चाहिए। महाराज, हम स्वयं पंडित रामकृष्ण से पूछेंगे कि यदि उनके पास पारस मनी होगा तो वो आपको दे देंगे। होगा होगा क्या है, पारस मनी उन्हीं के पास है। और ये बात पंडित रामकृष्ण ने समस्त विजयनगर से छिपाई, क्योंकि उनके हृदय में चोर है, वो पारस मनी नहीं देंगे। महाराज, हमारे विचार से आप अभी इसी क्षण पंडित रामकृष्ण के घर में तलाशी का आदेश दीजिए और पारस मनी प्राप्त कर लीजिए। महाराज, वो हरे नीले रंग का पत्थर है। गुरुवर, क्या कहा आपने, वो पत्थर हरा नीला? जी महाराज, आप धनी मनी से पूछ लीजिए। महाराज, शीघ्र पारस मनी को प्राप्त कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो पंडित रामकृष्णा वो पत्थर लेकर विजयनगर से पलायन कर जाए। मंत्रीवर, महाराज आप सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर पंडित रामकृष्ण के आवास पर जाइए और वो पारस मणि हमें लाके दिखाइए। महाराज, आप भी ऐसी बातों पर विश्वास करेंगे तो? मंत्री जी, यदि आचार्य तथाचार्य हमसे ये कह रहे हैं तो इसमें कोई तो सत्यता होगी, अन्यथा ये हमें क्यों बताते हैं? और आपने भी देखा पंडित रामकृष्ण के व्यवहार को, उन्होंने महारानी तिरुमल्लम्मा की भेंट को अस्वीकार किया है। अब जाइए उनके आवास पर और वो पारस मणि लेकर आइए। महाराज, बिना सत्यता प्रमाणित किए हुए हम पंडित रामकृष्ण पर यूं आरोप लगाए ये उचित नहीं है। महाराज, उचित तो सर्वप्रथम आप सत्यता प्रमाणित कीजिए। ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महामंत्री जी, आप निश्चिंत हो जाइए। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हम तो मिथ्याभाषी हैं, तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं आपके साथ। सर्वप्रथम आप स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए। अवश्य। चलिए, आज्ञा दीजिए। उठो। हे भगवान, राजमहल में जो भी घटित हुआ लगता है इन्हें पता चल गया। इधर आ। आइए आइए, आज इतनी जल्दी लौट कर आ गए। वो महाराज ने ये त्यातिया लामा महाराज का नाम तो ले लिया है। तुम विजयी हुई अर्थात? अम्मा आप बताइए। अरे हम विजयी हुए हैं, आप बताइए। अरे कोई मुझे भी बताएगा क्या हुआ है? मैं तमदाता हूँ। तमदा, इन दोनों के बीच में तत लगी थी, अगर तूने आके माला का नाम लिया तो थालता दी देगी और अम्मा तुझे बोलेगी, और यदि तूने लात गुलिया फिर धनी मनी बोला तो अम्मा देती गई और तालता तुझे बोलेगी, लेकिन तूने माला का नाम ले लिया इसलिए तालदा दी गए, अब अम्मा तुझे बोलेगी। पर बोले दी त्या, क्या बोलेगी? तेरे कारण गुंडप्पा ने पूरे घर में स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दी हैं, कि नीचे तो हाथ भी नहीं जा रहा, अब कहां कहां से निकाले। ओ, प्रतीत होता है इन्हें पता नहीं कि राजमहल में आज क्या हुआ। उठा लो। क्या? झाड़ू उठा लो और पूरा घर स्वच्छ करना आराम करो। इस गुंडप्पे से कहो इसी ने घर में स्वर्ण मुद्राएं बिखेरी हैं। नहीं, गुंडप्पा व्यस्त है, वो हमारे साथ गृह सामग्री लेने जा रहा है। मैं इस घर का स्वामी होकर घर स्वच्छ करूंगा। हे स्वामी, स्वर्ण मुद्राएं आप ही ने बनाई है ना? हाँ।
झाड़ू लेके घर स्वच्छ भी आप ही कीजिए। चलो अम्मा। हाँ ठीक है, जाओ सबके सब जाओ, घर में थोड़ी देर शांति तो रहेगी। देखिए देखिए देखिए, पंडित रामाकृष्ण का परिवार बाजार जा रहा है, अब जाएंगे क्यों नहीं, घर में स्वर्ण मुद्राओं का भंडार जो है कहीं ना कहीं तो व्यय करेंगे ही। ये देखिए झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। ये पंडित रामाकृष्ण ये रहस्य किसी को बताना नहीं चाहता है, इसीलिए घर में सेवक नहीं है, स्वयं झाड़ू मार रहा है। देखिए देखिए, क्यों अब विश्वास हुआ आपको? हम जो कहते हैं सत्य कहते हैं, पर विश्वास करते हैं आप पंडित रामाकृष्ण पर? स्वयं देख लीजिए अपने नेत्रों से, पूरे घर में स्वर्ण मुद्राएं बिखरी पड़ी हैं। अचंभित तो हम भी हैं आचार्य, एक काम करते हैं अंदर चलकर हम स्वयं बात करते हैं। हाँ, अभी नहीं अभी नहीं, रात्रि में सैनिकों के साथ आएंगे और पंडित रामाकृष्ण के घर की तलाशी लेंगे। परंतु आचार्य रात्रि में क्यों? महामंत्री जी ये बड़े चतुर हैं, अभी कोई ना कोई चतुराई करके बच जाएंगे, परंतु इस बार हम इन्हें बचने नहीं देना चाहते। ठीक है आचार्य, जैसा आप उचित समझे। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे पंडित रामाकृष्णा, इस बार हम तुम्हारी वो दुर्दशा करेंगे किसी को भी विजयनगर में मुख दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो हरे नीले रंग का पत्थर है, महारानी संभाल के गिर ना जाए वो। संभाल। महाराज ये है चटनी बनाने वाला विशेष पत्थर। परंतु महाराज आपको इस पत्थर की क्या आवश्यकता है? आपको भी इसकी चटनी बनानी है क्या? नहीं हमें चटनी नहीं बनानी है। आप ये बताइए कि आपने इस पत्थर का किसी धातु पर प्रयोग किया है कभी? धातु पर? ये तो अत्यंत ही उत्तम उपाय है। हमने तो आज तक फल और सब्जियों की चटनी बनाई है महाराज, कभी धातु की चटनी बनाने का तो प्रयास ही नहीं किया। आज हम इसका प्रयोग ना धातु की चटनी बनाने के लिए करते हैं। आप बताइए आप स्वर्ण की चटनी खाएंगे या रजत की चटनी, या फिर हम आपके लिए कांसे की चटनी बना दे? नहीं नहीं महाराज, कांसे की चटनी खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, आप इनके लिए स्वर्ण की ही चटनी बनाइए। क्यों महाराज? नहीं नहीं हमें कोई चटनी नहीं खानी है, आप ये पत्थर हमें दीजिए। महारानी चिन्ना देवी आपके पास लोहे के आभूषण होंगे? हमारे पास लोहे के आभूषण? वे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति पहनता है महाराज। कौन? कारागृह में बंद अपराधी। अवश्य आप लोहे की कुछ वस्तुएं लेकर आइए। परंतु महाराज आप लोहे की वस्तु का करेंगे क्या? महाराज आपको लोहे की चटनी खानी है? नहीं चटनी नहीं, चमत्कार। चमत्कार? चमत्कार? आप दोनों लोहे की वस्तुएं लेकर तो आए, फिर हम आपको दिखाते हैं चमत्कार। उचित है महाराज, अभी लेकर आते हैं। आइए लेकर आते हैं। धोल मैं टक्कर ले दो। वो करेगा बदमाशी? नहीं मैं धोल मुझे टक्कर ले। गिरा दो नहीं नहीं नहीं।
अभी छापा मारते हैं। नहीं अभी नहीं, पंडित रामकृष्ण सोने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे वो निद्रा में जाएंगे वैसे ही छापा मारेंगे। शांति से जाप भी नहीं करने देगा। अरे तुम्हारे लिए तो नीम की पत्तियां जलाकर लाया हूं ना, तुम्हें मच्छर काट रहे थे। उठा लो। क्या हांडी? हाँ बिल्कुल सही समझे, हमारे कक्ष में भी बहुत मच्छर हो रहे हैं, जाके वहाँ भी धुआं कर दीजिए। मैं एक कार्य करता हूँ, पूरे घर में इस हांडी को घुमा देता हूँ, सारे मच्छर अपने आप भाग जाएंगे। मैं धुआं उड़ाता हूँ। नहीं तू बालक है, हांडी में जलते हुए कोयले हैं, तेरा हाथ जल जाएगा, सब गिर जाएंगे। मैं बालक नहीं, पुलुत तो मैं पुलुत। चल बड़ाया पुलुसु पुलुस। लामा तोरे में मच्छर अधिक छुपते, तोरे में धुआ धुमा। तोने में? अच्छा कोने में। नब्बे वैसे तू भी कभी कभी पुरुषों की तरह अर्थात पुरुषों की तरह बातें करता तो है, बहुत अच्छे। आजा। ये कोने में घुमाया। ये लीजिए महाराज, लोहे की वस्तुएं। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज इस पत्थर को ना इन पात्रों पे अच्छे से घिसिएगा, चटनी तभी बनेगी। इस स्वर्ण में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है? परंतु आपको स्वर्ण में क्यों परिवर्तित करना है महाराज, हमारे पास तो स्वर्ण के इतने सारे पात्र हैं। नहीं इस पत्थर को इस पर खिसने से ये स्वर्ण में परिवर्तित होना चाहिए। परंतु महाराज लोहे की वस्तुएं स्वर्ण में कैसे परिवर्तित हो सकती हैं? और वो भी एक पत्थर खिसने से। आचार्य तथाचार्य की जानकारी के अनुसार ये पत्थर बिल्कुल पारसमणि की भांति प्रतीत होता है, और संभवतः पंडित रामकृष्ण के पास भी ऐसा एक पत्थर है जिससे वो साधारण वस्तु पर घिसते हैं और उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। पंडित रामकृष्ण हमें आपसे इस पारसमणि का रहस्य जानना ही होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.